दोस्तों बिहार पुलिस एसआई दरोगा का फॉर्म दोस्तों निकला हुआ है, जो कि इसका सीट है 2275। और दोस्तों इसका ऑनलाइन 5/10/2023 से इसका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भराना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और इन नियमों का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों क्या क्या इसमें नियम दिया गया है कि आपके किन किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मैं आपको बारी बारी से सभी इंस्ट्रक्शन आपको दिखा देता हूँ, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है और किन कारणों से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आप इन छोटी छोटी गलतियों को आप सुधार कर अपना फॉर्म अच्छा से भर सकते हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। मैं यहाँ विज्ञापन इसका ओपन किया हूँ और यहाँ विज्ञापन में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो मैं पेज को स्क्रॉल कर लेता हूँ जहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। दोस्तों इंस्ट्रक्शन के पेज नंबर 12 में यहाँ दिए गए, जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें पेज नंबर 12 पर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें स्पष्ट दिया गया है कि आवेदक का फोटोग्राफ जो इसमें लगेगा वो रंगीन होना चाहिए और 2 माह के अंदर का खींचा हुआ होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड दोस्तों सफ़ेद होना चाहिए, न कि रंगीन होना चाहिए। अभी जो भी इसमें फ़ोटो लगाइएगा उसका बैकग्राउंड आपको वाइट रखना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और दोस्तों इसका साइज़ जो रहेगा 15 से 25 KB के अंदर रहेगा। ये तो दोस्तों जो ऑनलाइन करेंगे वो बना लेंगे। और सिग्नेचर का भी दिया गया इंस्ट्रक्शन, इसमें भी आपको यहाँ दिया गया है कि आप काले या नीले स्याही से अपना सिग्नेचर करेंगे वाइट पेज पर। और इसका भी दोस्तों साइज़ जो दिया गया है 15 से 25 KB के अंदर होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, जो कि इसमें भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो कि सफ़ेद बैकग्राउंड पर हो। और दोस्तों यहाँ दिया गया है कि ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है दोस्तों। और इस तरह से आप अपना सिग्नेचर और फोटो अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ गम ऑप्शन में यहाँ दिया गया है स्पष्ट, फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिए गए निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन पत्र रद्द या निरस्त कर दिया जाएगा। आप यहाँ गंभीर लीजिएगा इसको दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से लिखा गया है, अगर इस तरह से आप इसका नियम नहीं पालन करते हैं, बैकग्राउंड व्हाइट नहीं लगाते हैं फोटो का और सिग्नेचर करता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद इस तरह से अगर आप फोटो बना लेते हैं तभी आपको अपलोड करना है और सिग्नेचर को। और दोस्तों इसमें और भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इन कारणों से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो मैं उन कारणों को मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं 19 नंबर पर दिए गए है उम्मीदवारी रद्दीकरण। यहाँ आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताए रद्द की जा सकती है, तो किन किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है यहाँ आप पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। यह दिया गया है जो फर्स्ट में दिया गया है दोस्तों, आवेदन पत्र का प्रथम भाग पंजीकरण भरा जाना परंतु द्वितीय भाग को भरकर सबमिट न करना, जो रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं और दूसरा स्टेप नहीं भरे हैं उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो स्पष्ट है। दोस्तों यहाँ दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है, आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड न किए जाना या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य का फोटो हस्ताक्षर अपलोड किए जाना, अगर आप किसी दूसरे का फोटो अपलोड कर देते हैं और सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं और पेमेंट आप नहीं करते हैं तभी उस स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और आवेदन में गलत सूचना दिया जाता है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। और 5 नंबर दिया गया है दोस्तों, गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना, अगर आप किसी जनरल कैटेगरी से आते हैं और आप किसी OBC या SC ST में अगर भर देते हैं फॉर्म तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 6ठा जो ऑप्शन दिया गया है, आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना और कोई भी आपका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स कोई भी गलत है तो इस स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों आपके सर्टिफिकेट में जो जन्म तिथि है और जो आप फिल किए हैं वो अलग अलग पाया जाता है तभी उस स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इसमें तो जो 8 नंबर में दोस्तों इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसमें अगर जेंडर आप गलत भरते हैं तभी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर में दिया गया है दोस्तों कि इसका जो अर्हता जो मांगा गया है अगर वो सब पूरा आप नहीं करते हैं तो उस स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और भी दोस्तों इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो कि आप अच्छे से सभी को पढ़ लीजिएगा और तभी इसका ऑनलाइन कीजिएगा, नहीं तो एक गलती के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों जो मैं बताया वो कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन था जो मेन मेनू में आपको बता दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।